हेलो एवरीवन, पूनम्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गेहूं के आटे से बनाए बहुत ही लाजवाब पराठा, चाहे नाश्ते के लिए, लंच या डिनर के लिए, या बच्चों के टिफिन के लिए, तो बनाना शुरू करते हैं। डो बनाने के लिए 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल को आटे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सॉफ्ट डो बनाएंगे। डो को अच्छे से मसल के एकदम स्मूथ बनाना है। 1/2 टीस्पून तेल डाल के इसे चिकना कर लेंगे। इसे अच्छे से मसल के एकदम स्मूथ बना दिया है और इतना सॉफ्ट डो बनाना है। मैंने इसमें 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। कभी कभी आटे की क्वालिटी के हिसाब से पानी कम या ज्यादा लग सकता है। ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 2 कप स्वीट कॉर्न लिया है और मैंने ये कच्चा ही लिया है, आप फ्रोजन वाला भी ले सकते हैं। इसे चॉपर में डाल के चॉप करेंगे। इसे बहुत ज्यादा बारीक चॉप नहीं करना है, थोड़ा दरदरा ही रखेंगे। इस तरह से रुक रुक के चलाएंगे। इसे चॉप कर दिया है और इसमें कोई भी दाना साबुत नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पराठा बेलेंगे तो बीच में आएगा तो पराठा फट जाएगा। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे। 1 पिंच हींग डालेंगे। 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट, 1 टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट डालेंगे। धीमी आंच पे भूनेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए तब तक इसे भूनना है। मैंने इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। 1 पिंच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर। धीमी आंच पे 1 मिनट के लिए भूनेंगे। स्वीट कॉर्न हमने चॉप किए हैं, ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर डालेंगे। आपके पास ये नहीं है तो नॉर्मल मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर। 1 टीस्पून चाट मसाला। 3/4 टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये स्टफिंग हमें थोड़ा स्पाइसी रखना है तो पराठे का टेस्ट अच्छा आएगा, क्योंकि स्वीट कॉर्न थोड़े से मीठे रहते हैं। इसमें हम चीज़ भी डालने वाले हैं तो नमक संभल के डालना है। ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए तब तक इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। इसे 6 से 7 मिनट के लिए कुक किया है और ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है। इससे ज़्यादा इसे ड्राई नहीं करना है। जिस तरह का आलू का स्टफिंग हम बनाते हैं उसी तरह का रखना है। इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। स्टफिंग को एकदम ठंडा कर दिया है। 2 प्रोसेस चीज़ की क्यूब ली है, इसे हम कद्दूकस करेंगे। स्टफिंग एकदम ठंडा हो जाए इसके बाद ही हम इसमें चीज़ डालेंगे। गर्म स्टफिंग में हम चीज़ डाल देंगे तो जल्दी से मेल्ट हो जाएगी, और चीज़ को हमें मेल्ट नहीं करना है। हम पराठे कुक करेंगे उसके साथ में ही चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही टेस्टी पराठे का स्टफिंग रेडी हो गया है। आटे को रखे 10 मिनट हो चुके हैं। इसे हम थोड़ा मसल लेंगे। 1/2 टीस्पून तेल डालेंगे और अच्छे से मसलेंगे। बड़ी साइज की एक लोई बनाएंगे इस तरह से। लोई को सूखे आटे में लपेटेंगे। एक बड़ी रोटी बेलेंगे इस तरह से। बड़ी रोटी बेलेंगे, बीच में स्टफिंग रखेंगे। मैं चौकोर शेप का पराठा बना रही हूँ, आप गोल पराठा या ट्रायंगल भी बना सकते हैं। 2 से 2.5 टेबलस्पून जितना स्टफिंग हम इस तरह से बीच में रख देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और रोटी को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करके, नीचे की साइड से इस तरह से फोल्ड कर देना है और ऊपर की साइड इस तरह से। ऊपर सूखा आटा डालेंगे और इस तरह से चकले पे भी सूखा आटा डाल देना है और पराठा बेल लेंगे। एकदम हल्का हाथ से पराठा बेलेंगे।
इस तरह से पराठा बेल के रेडी कर दिया है और मीडियम साइज का पराठा बेला है। पराठे को गरम तवा पे डाल देंगे। पहले इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। 30 से 35 सेकंड के बाद इसे पलट लेंगे। दूसरी साइड से प्रॉपरली कुक हो जाए तब तक इसे कुक करेंगे। पलट लेंगे इस तरह से, लाइट ब्राउन डॉट्स आ जाए तभी पलट लेना है। ऊपर देसी घी लगाएंगे, आप इसके ऊपर तेल भी लगा सकते हैं। पलट लेंगे, दूसरी साइड पे भी घी लगाएंगे, पलट लेंगे। लाइटली प्रेस करके इसे कुक करेंगे। दोनों साइड से उलट पलट के गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक इसे कुक कर दिया है, निकाल लेंगे। इस तरह से बाकी का पराठा भी बनाएंगे। स्वीट कॉर्न पराठा बनके रेडी हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।